हे गाइस, तो आप लोग भी ऐसा स्पोर्ट बाइक फोटो एडिटिंग करना चाहते हो अपने पिक्सल और लाइटरूम के अंदर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कुछ आपको इस हिसाब से खिंचा लेना है और उसके बाद जो है आपको फोटो को थोड़ा सा लाइटरूम में टचअप करके आपको बैकग्राउंड इरेज करना है पिक्सआर्ट के ड्रॉ टूल के अंदर। तो आप ड्रॉ टूल के अंदर पिक्सआर्ट के अंदर कैसे परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, इसकी वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। आप लोग को क्वालिटी मेंटेन मिल जाएगा। ये आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम से सेव किया हुआ फोटो है और इसकी भी क्वालिटी मैंने काफ़ी मेंटेन की हुई है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 4x5 के वाइट ब्लैंक बैकग्राउंड के इसमें। तो ये इंस्टाग्राम का परफेक्ट फ्रेम साइज़ है, तो इसको मैं करने वाला हूँ पिक्सआर्ट के अंदर शेयर। और जैसे कि मैं इसको शेयर कर लूँगा, मैं चले जाऊँगा यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से जो लेयर पैनल है उसको ऑन करके ऐड फोटो कर लूँगा एम्प्टी लेयर में। और ये जो बाइक के बैकग्राउंड है, ये मैंने इसमें भी थोड़ा बहुत कलर ग्रेड किया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, तो इसके भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके सब डाउनलोड कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो ये देख के। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ से और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ से एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेता हूँ। और जो मैंने फ़ोटो ऐड किया हुआ है वो हसन इनका है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड इरेज कर दिया है और मैंने यहाँ पे स्किन टोन टचअप किया है ऑटोडेस्क के अंदर। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको परफेक्टली एकदम इस हिसाब से सेट कर लेता हूँ। और अगर आप लोग रेड टी शर्ट या ब्लैक पैंट में भी अगर खिंचाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइक का जो कलर है उस हिसाब से मैंने इसके साथ बैकग्राउंड मैच किया है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि ये और एक ये फोटो डन हो जाएगा, आपको एक एम्प्टी लेयर नीचे रख लेना है। अब यहाँ से आप लोग को एक शैडो की पीएनजी मिल जाएगी, यहाँ पे शैडो की पीएनजी आप लोग को ऐड कर लेनी है, ताकि जो यहाँ पे जो परफेक्ट आपका जो फोटो है वो एकदम शैडो है और एकदम रियलिस्टिक सा लुक आने लगे आपके फ़ोटो पे। तो यहाँ पे जो मैंने शैडो ऐड किया है, यहाँ पे मैंने उसकी जो ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी मैंने कम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को ब्लैकनेस दिख रहा था नीचे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप मैंने 50 रख लिया है, तो यहाँ पे आप लोग 45 से 50 के बीच में रख लेना। और एक आप लोग को एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद ये जो साइज़ आप लोग को दिख रही है 35 मैंने रखा हुआ है, और जो ऑपोसिटी है मैंने 8% रखा है, हार्डनेस मैंने 1% रखा है। ये आप लोग को डन करने के बाद, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जस्ट हल्का हल्का आप लोग को पेंट करते हुए चले जाना है। जैसे कि आप लोग पेंट करते हुए चले जाओगे तो आप लोग का जो एक शैडो बनने लगेगा, और शूज़ का जो नीचे का पोर्शन है उसको आप लोग को थोड़ा सा और आप लोग को यहाँ पे पेंट करना है, ताकि जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा डार्क दिखने मिले। और यहाँ पे आप लोग को सिंपली जस्ट हल्का हल्का करके पेंट करते हुए चले जाना। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग देख सकते हो एक लाइन बनाते हुए चले जा रहा हूँ, तो एक साइड ही आपको ऐसा लाइन बनाते हुए चले जाना है, तो आपका जो शैडो है वो एकदम रियलिस्टिक सा लगने लगेगा, जैसे कि आप लोग ये अभी फोटो में देख सकते हो। और अगर आप लोग को ज़्यादा अगर टोन लग रहा है कि ज़्यादा डार्क हुआ है, तो आप लोग उसकी ऑपोसिटी कम करके उसको परफेक्टली मैच कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने दोनों शैडो को मर्ज करके बैकग्राउंड के साथ मैंने मर्ज कर लिया है, और यहाँ से जो है फोटो को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने और एक एम्प्टी लेयर मेरे को क्रिएट कर लेना है, और यहाँ से मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ। अब ये जो वाइट लेंस फ्लेयर की पीएनजी है, ये आप लोग को मिल जाएगी, तो ये आप लोग बाइक का जो हेडलाइट होता है आप लोग वहाँ पे भी ब्लेंड करके स्क्रीन करके लगा सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है मैं रिफ्लेक्ट के लिए भी काफ़ी यूज़ करता हूँ, या तो आप लोग बाइक के यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट के लिए यहाँ पे सेट कर देता हूँ इसको, ताकि जो मॉडल का जो टी शर्ट है उस पर भी आ जाए, और जो मंकी कैप है उस पर भी आ जाए इस पर रिफ्लेक्ट हल्का सा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, ज़्यादा छोटा नहीं कर रहा, एकदम परफेक्टली करके उसको मर्ज करके 3 डॉट से इमेज को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि फोटो हो चुका है हमारा रेडी। तो आप लोग गाइस गैलरी में रिव्यू देख सकते हो कि फोटो कैसा बना हुआ, एकदम परफेक्टली बना है, स्किन टोन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन इमेज की काफ़ी अच्छी है, जबकि इंस्टाग्राम से सेव किया हुआ फोटो है। और अभी इसके अंदर मेरे को थोड़ा बहुत कलर ग्रेड करना होगा, तो इसके लिए मुझे शेयर करना होगा लाइटरूम के अंदर, तो आ जाते हैं लाइटरूम के अंदर। तो गाइस जैसे कि मैं लाइटरूम के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग को काफ़ी मतलब इनबिल्ट प्रीसेट्स मिल से, मतलब यहाँ पे जस्ट आप लोग को बहुत सारी इफेक्ट मिल जाते हैं लाइटरूम के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मॉडर्न 8 या मॉडर्न 7। यहाँ पे आपको मॉडर्न 7 देख सकते हो कि मॉडर्न 7 कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं मॉडर्न 7 को डन कर लेता हूँ। और डन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कुछ एडजस्टमेंट होती है, बेसिक एडजस्टमेंट जो आपके फ़ोटो पे आप लोग को ज़रूरी होता है मैचिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लिया है, हाईलाइट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और शैडो जो होती है शैडो को मैं थोड़ा सा माइनस में कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वाइटनेस की बारी आती है, वाइटनेस भी मैं थोड़ा सा माइनस में कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैकनेस मेरे को थोड़ा सा डार्क दिखाना है, तो मैं इसके लिए ब्लैकनेस को थोड़ा माइनस में कर लिया हूँ। एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेते, ताकि जो हमारा इमेज है वो थोड़ा सा ब्राइटनेस सा लगे। यहाँ पे टेम्परेचर जो है मैंने -4 रखा हुआ है, और जो वाइब्रेंस होती है वाइब्रेंस को मेरे को मतलब कलर ग्रेड जो होता है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ।
टिंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ से रख लेता हूँ, या आप लोग आगे की तरफ बढ़ाओगे तो भी आप लोग को पर्पल कलर का इफेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बारी आती है मिक्स कलर की, तो यहाँ पे स्किन टोन जो है ऑलरेडी ब्राइट है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। रेड काफ़ी ज़्यादा रेड यहाँ पे दिख रहा था तो उसकी मैंने सैचुरेशन कम कर दी है ताकि जो रेड का कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाए। और यहाँ पे उसकी ल्यूमिनेंस मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हमारा फोटो काफ़ी ब्राइट है बट पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है तो उसके साथ मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्लैरिटी की बात आती है तो क्लैरिटी आप लोग जितना बढ़ाओगे आप लोग को मालूम आपकी इमेज जो एकदम क्लियरली दिखेगी, एकदम मतलब टेक्स्चर्स काफ़ी हैं उसमें दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा सा टेक्स्चर बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा टेक्स्चर पे ये फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जस्ट उसको 10 से 20 के बीच में यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो डेस की बात आती है मैं डेस जो है उसको माइनस में रखता हूँ यहाँ पे ताकि जो मेरे को नॉइज़ ज़्यादा मिले। और वैगनेट को मैं आगे की तरफ कर लेता हूँ, जो वाइट वाली इफेक्ट होती है वैगनेट का वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इमेज की शार्पनिंग आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैं आप लोगों को हर फोटो में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 29 तक यहाँ पे यूज़ किया ताकि इमेज और शार्प लगे। अब यहाँ पे फोटो आप लोग देख चुके होंगे, मतलब जस्ट हल्का सा ही हम लोग ने इफेक्ट यूज़ किया है बट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। तो गाइस कभी कभी थोड़ा भी एडजस्टमेंट करना अच्छी बात होती है कलर का। तो यहाँ से हम लोग फोटो को कर लेते हैं सेव क्योंकि फ़ोटो हो चुकी है हमारी रेडी। तो यहाँ पे वीडियो को कर लेते हैं एंड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं होता गाइस सब्सक्राइब किया और मत जाना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइस क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।